पवित्र श्रावण माह में उज्जैन टीवी कराएगा आपको महाकाल वन क्षेत्र स्थित 84 महादेव के दर्शन। प्रतिदिन कीजिए एक महादेव के दर्शन और जानिए उनकी गाथा केवल उज्जैन टीवी के समाचारों में। नमस्कार, उज्जैन टीवी के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता बाबूलाल जैन के निधन पर मुख्यमंत्री ने निवास स्थान पहुंच किए श्रद्धा सुमन अर्पित। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत किया गया अन्नोत्सव आयोजित, प्रभारी मंत्री ने की शिरकत। भैरवगढ़ के ग्राम जोगीखेड़ी में 5 वर्षीय बालिका की बोरवेल में गिरने से हुई मृत्यु। निजीकरण के विरोध में बिजली अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा ने सेवाएं की ठप। और नागपंचमी पर वर्ष में एक बार खुलने वाले महाकाल स्थित नाग चंद्रेश्वर के दर्शन नहीं कर पाएंगे आमजन, ऑनलाइन दर्शन की व्यवस्था होगी। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता व पूर्व मंत्री बाबूलाल जैन का 88 वर्ष की उम्र में हुआ निधन। मुख्यमंत्री ने निवास स्थान जाकर किए श्रद्धा सुमन अर्पित। पिछली पीढ़ी के उन चर्चित नेताओं में से एक जिनकी जड़ें संघ और जनसंघ से जुड़ी थी, बाबूलाल जैन का निधन हो गया। 17 नवंबर 1934 को जन्मे बाबूलाल जैन ने पहला चुनाव प्रकाश चंद्र सेठी के खिलाफ 1972 में लड़ा था। सन 1977 में आपने उज्जैन उत्तर से पहला चुनाव जीता। उसके बाद उन्होंने 1980, 1985, 1990 और 1998 के लगातार चुनाव जीते। आप मंत्री पद के अलावा कई महत्वपूर्ण पदों की भी जिम्मेदारी सफलतापूर्वक संभाल चुके थे। श्री जैन के निधन का समाचार प्राप्त होते ही प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान और नगर प्रभारी जगदीश देवड़ा स्वर्गीय जैन के निवास स्थान पर पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री चौहान ने स्वर्गीय जैन की पार्थिव देह पर पुष्पगुच्छ समर्पित करने के पश्चात अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कहा कि श्री जैन लोकप्रिय जनहितकारी, पथ प्रदर्शक एवं अत्यंत मृदुभाषी जननेता थे। स्वर्गीय श्री बाबूलाल जी जैन कुशल संगठक थे, राष्ट्रवादी चिंतक थे, समाज सेवी थे, लोकप्रिय नेता थे और सफल प्रशासक थे। पहले भारतीय जनसंघ और बाद में भारतीय जनता पार्टी की जड़ें उज्जैन संभाग में जमाने में उन्होंने अतुलनीय योगदान दिया। वे संभागीय संगठन मंत्री रहे पार्टी के, लेकिन संगठन के साथ साथ वो जन नेता भी थे, मास लीडर थे। उज्जैन से भी वो विधायक रहे, महितपुर से भी, महितपुर का भी प्रतिनिधित्व उन्होंने किया और पटवाजी के साथ, पटवाजी के मुख्यमंत्रित्व काल में प्रदेश के मंत्री के नाते उन्होंने अपनी प्रशासनिक दक्षता का परिचय दिया और प्रदेश की जनता की बहुत निष्ठापूर्वक सेवा की। पार्टी सरकार के माध्यम से जनता और आम जन के प्रति जो स्नेह का भाव उनके मन में था, वैसा दुर्लभ ही मिलता है। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आपहु शीतल होए, इसके प्रतीक थे स्वर्गीय बाबूलाल जी। वो बहुत मीठा और बड़े प्रेम से बोलते थे और सबको प्रेम करते थे। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का हुआ शुभारंभ, प्रभारी मंत्री ने की शिरकत। प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री का ऑनलाइन संबोधन भी हुआ।
स्थानीय पटेल नगर स्थित सद्भाव प्राथमिकता उपभोक्ता भंडार पर आयोजित कार्यक्रम में जिले के प्रभारी मंत्री जगदीश देवड़ा, सांसद अनिल फिरोजिया, विधायक पारस जैन ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसके पश्चात उपस्थित जनों के समक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का ऑनलाइन संवाद सम्पन्न हुआ। अभी मैं हमारे मध्य प्रदेश के कुछ भाइयों बहनों से बात कर रहा था। इस संकट काल में सरकार से जो मुफ्त अनाज मिला है वो हर परिवार के लिए बड़ी राहत बनकर के आया है। उनकी बातों में संतोष दिखता था, विश्वास नजर आ। अपने देश का दसों दिशाओं में विकास हुआ, एक व्यवसायी गौरवशाली संपन्न और समृद्ध भारत बनाने का संकल्प आदरणीय प्रधानमंत्री जी पूरा कर रहे हैं। इसके पश्चात सार्वजनिक वितरण प्रणाली से जुड़े उपभोक्ताओं को 10 किलोग्राम क्षमता के राशन बैग वितरित किए गए। इस मौके पर अतिथि ने कार्यक्रम को संबोधित भी किया। इस संकट की घड़ी में कोई व्यक्ति पीछे नहीं रहा, कोई संस्था पीछे नहीं रही, कोई राजनीतिक दल हो, सामाजिक संस्थाएं हो, सब लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ करके काम किया, सेवा की। जो जिससे बन सका, चाहे प्रत्यक्ष रूप से करे या प्रत्यक्ष रूप से करे, उन्होंने मदद की। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार शपथ ली थी तो उन्होंने कहा था कि ये गरीब किसान मजदूरों की सरकार, और आपने उनके पूरे 5 साल पिछले 5 साल का आप तुलना करेंगे या अध्ययन करेंगे तो आप देखेंगे कि उन्होंने पूरे 5 साल गरीब किसान मजदूर के लिए ही योजना बना के इस देश में लागू किया। कार्यक्रम के पश्चात प्रभारी मंत्री जगदीश देवड़ा मीडिया से भी मुखातिब हुए। आज पूरे मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का प्रारंभ किया है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को पूरे मध्य प्रदेश की ओर से जितना धन्यवाद दिया जाए उतना कम है। इसी सिलसिले में शहर के अन्य उपभोक्ता भंडारों से भी अन्न योजना के तहत निशुल्क राशन वितरण आरंभ कर दिया गया, जहां उपभोक्ताओं की अच्छी खासी भीड़ नजर आई। हितग्राही थैलों में राशन ले जाते दिखाई दिए। थाना भैरवगढ़ के ग्राम जोगी खेड़ी में 5 वर्षीय बालिका गिरी बोरवेल में। रेस्क्यू टीम के आने के पहले निकाला ग्रामीणों ने, अस्पताल पहुंचने के पहले बालिका की हुई मृत्यु। थाना भैरवगढ़ अंतर्गत ग्राम जोगी खेड़ी में लापरवाही पूर्वक छोड़े गए खुले बोरवेल में पद्म सिंह के 5 वर्षीय बालिका खेलते खेलते गिर गई। रेस्क्यू टीम के पहुँचने के पहले ग्रामीणों ने जतन कर बालिका को निकाल लिया, मगर अस्पताल ले जाते समय बालिका ने रास्ते में दम तोड़ दिया। घटना के संबंध में बालिका के चाचा ने बताया। ऊपर से बुरा हुआ था पर दस गया वो पानी। अच्छा, पानी के लिए हटाया था उसको? नहीं, वो दिया था पर वो अंदर दस गया और खेलते खेलते वो बैठ गया था। इस संबंध में एसडीएम गोविंद दुबे ने बताया। देखिए, जैसे ही हमारी जानकारी में आया तो वहाँ पे तुरंत हमारे होमगार्ड की टीम और डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट वहाँ मौके पे पहुँच गए थे, लेकिन चूंकि प्राइमा फेसी लोगों को ऐसा दिखा तो लोगों ने अपने प्रयास करके ही जो है बच्ची को निकाल लिया था। बच्ची डॉक्टरों ने जो एग्जामिन किया है संजीवनी ने, उनके द्वारा ऐसा बताया गया कि बच्ची को वो नहीं बचा पाए। बिजली व्यवस्था के निजीकरण के खिलाफ विभाग के अधिकारी व कर्मचारियों ने सेवाएं ठप्प कर किया विरोध। बिजली अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के बैनर तले शनिवार को उपभोक्ता सेवाएं ठप्प कर दी गई। ना बिल जमा किए गए, ना उपभोक्ताओं को बिजली बिल सुधार आदि सेवाएं प्रदान की गई। जानकारी के अभाव में कार्यालयों पर पहुंचे उपभोक्ता परेशान होते रहे। ऐसे परेशान उपभोक्ता अनुराग गुप्ता व नरेंद्र डोंगे ने कहा। परेशानी ये सर जी कि मैं यहाँ पे आया था अपना बिजली का बिल भरने के लिए, लेकिन यहाँ आया मैंने एक कर्मचारी से पूछा तो कर्मचारी मुझसे कहते हैं कि आज सब हड़ताल है, बोले ये सब बंद है, यहाँ पे कोई भी अधिकारी नहीं। मैंने दूसरे लोगों से और कंसल्ट करा लेकिन बोले यहाँ कोई नहीं, अब कल आ गया इतवार। अभी मैं 200 रुपये मेरी ओवर टाइम छोड़ के आया हूँ। मैं प्राइवेट कर्मचारी हूँ नगर वहाँ पे उद्योगपुर में चौकीदारी करता हूँ मैं। अब अगर मान लो मैं फिर सोमवार को आता हूँ और फिर सोमवार को ये जवाब मिलेगा तो इसका क्या है निराकरण? आज 200 रुपये रोज की नागा होना एक मजदूर के लिए कितनी बड़ी मामूली बात कि एक बिल जो कि एवरेज 200, 225, 150 से ज़्यादा नहीं आता है, वो आज अचानक जब हम प्राप्त होता है तो वो करीबन 954 रुपये की मीटर खपत बताता है।
और उसका बिजली का टोटल बिल आता है 8,737, मतलब तकरीबन 10 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से एवरेज। अगर ये सही समय पे हर मंथ रीडिंग ली जाती और सही समय पे बिल दिया जाता तो ये राहत का विषय था, जो कि ज़बरदस्ती का अननेसेसरी 6 रुपये प्रति यूनिट को 10 रुपये प्रति यूनिट बना दिया गया है। इसका नुकसान जनता को हो रहा है और विभाग इसमें बेपरवाह है, लापरवाह है, और इसकी शिकायत कहाँ की जाए और इसका निराकरण कैसे होगा, ये विषय की बात है कि ये मीडिया के विषय की बात है। मीडिया से अभी आपने जिस समर्थन की आपको ये जो बिल आया इस बारे में आपने किसी को शिकायत करी? मैं शिकायत करने के लिए ही यहाँ आया था, लेकिन पता लगता है कि आज हड़ताल है और सभी खिड़कियाँ और विभाग के अधिकारी यहाँ लापता हैं। अपने मांगों के संबंध में संयुक्त मोर्चा के सतीश पाटीदार ने बताया, कर्मचारियों और अधिकारियों के विरुद्ध जो नीतियां बनाई गई है, निजीकरण की जो नीतियां बना रहे हैं, वो पूर्णतः गलत है। क्योंकि पिछले टाइम में जब SL कंपनी को जब उज्जैन का निजीकरण किया गया था, तब हमने देखा था कि जनता काफी परेशान हुई थी यहाँ की। नागपंचमी के अवसर पर नागचंद्रेश्वर मंदिर में होगी परंपरागत पूजा अर्चना, आमजनों का प्रवेश होगा वर्जित, कहा जिलाधीश ने। साल भर में एक बार दर्शनार्थ खुलने वाले महाकाल परिसर स्थित नागचंद्रेश्वर मंदिर के द्वार खुलेंगे तो, मगर सिर्फ पारंपरिक पूजा अर्चना हेतु, आम दर्शनार्थियों के लिए प्रवेश वर्जित रहेगा। ये जानकारी देते हुए जिलाधीश आशीष सिंह ने कहा कि नागरिक ऑनलाइन और यूट्यूब पर दर्शन कर सकेंगे। इस बार आम श्रद्धालुओं के लिए मंदिर जो है वो नहीं खुला रहेगा, हम लोग लेकिन लाइव दर्शन की व्यवस्था जरूर करेंगे। पूरे समय लाइव दर्शन की व्यवस्था लिंक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से करी जा सकती है। और उस दिन जो महाकाल मंदिर के दर्शन होंगे वो हालांकि खुले रहेंगे, लेकिन केवल प्री बुकिंग के आधार पर खुले रहेंगे। मैं सभी लोगों से अपील करूंगा, कृपया बिना प्री बुकिंग के नहीं आएँ। और नागचंद्रेश्वर मंदिर के दर्शन, जो एक पारंपरिक पूजा वहां पर होती है थोड़ी देर के लिए, उसको छोड़ के अन्य किसी भी श्रद्धालु के लिए नागचंद्रेश्वर के दर्शन जो है वो खुले नहीं रहेंगे। ग्वालियर संभाग के बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए श्री राजपूत कर्णी सेना मूल ने मुख्यमंत्री राहत कोष में की राशि भेंट। हाल ही में ग्वालियर संभाग में आई प्राकृतिक आपदा में बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए श्री राजपूत कर्णी सेना मूल के प्रदेश अध्यक्ष शिव प्रताप सिंह चौहान ने बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए हाथ बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री राहत कोष में कलेक्टर उज्जैन को 21,000 का चेक भेंट किया। इस दौरान जिला अध्यक्ष ईश्वर सिंह झाला, नगर अध्यक्ष शुभम सिंह राजपूत सहित कर्णी सेना कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। उल्लेखनीय है कि ग्वालियर में श्री राजपूत कर्णी सेना मूल के पदाधिकारी बाढ़ पीड़ितों को भोजन के पैकेट वितरण कर राहत पहुंचाने का काम कर रहे हैं, तो वहीं जिले के मुख्यालय से भी श्री राजपूत कर्णी सेना मूल मुख्यमंत्री राहत कोष में मदद कर रही है। प्रदेश अध्यक्ष चौहान के अनुसार वे आपदा की घड़ी में सदैव तत्पर रहते हैं। आगे आपने बताया कि देश में आरक्षण व एस्ट्रोसिटी एक्ट एक अभिशाप है, एस्ट्रोसिटी एक्ट को लोगों ने धंधा बना लिया है, तो वहीं आरक्षण के चलते हमारे देश की युवा पीढ़ी उन्नति नहीं कर पा रही क्योंकि उनके अधिकारों का इस आरक्षण के चलते हनन हो रहा है, इसलिए दोनों कानून समाप्त होने चाहिए तथा योग्यता के आधार पर आरक्षण देना चाहिए। इसके विरोध में कर्णी सेना आगामी सितम्बर माह में भोपाल में महारैली निकालेगी। जैसे अभी ग्वालियर संभाग में जो बाढ़ आई है तो वहाँ पे अभी हमारी टीम वहाँ पे डेली भोजन के पैकेट भी वितरित करवा रहे हैं, और ये हमने हमारे संगठन की तरफ से हर जिले के मुख्यालय पे राहत राशि हमने मुख्यमंत्री सहायता कोष में, जो देश का कानून है वो खुद ही जाति समाज में बांट रहा है और कहता है कि सब एक होके रहो, तो इस तरह से तो सभी को बांटने का काम किया जा रहा है। और ये जो भीख दी जाती है आरक्षण के नाम पर, उससे हमारा देश अपाहिज हो रहा है, तो इसलिए ये आरक्षण मैं तो ये कहता हूँ कि स्वतः खत्म होना चाहिए, बिल्कुल ही खत्म होना चाहिए, हमें भी नहीं मिले और किसी को भी नहीं मिले। कोरोना महामारी की तीसरी लहर से बचने व विश्व कल्याण की भावना को लेकर किया गया पार्थिव शिवलिंग रुद्राभिषेक। सावन शिवरात्रि पर घर घर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर अभिषेक संपन्न किए गए। इसी श्रृंखला में इंद्रानगर के परमार परिवार व यादव परिवार द्वारा कोरोना की संभावित तीसरी लहर की शांति और जन कल्याण की मनोकामना के साथ पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर महारुद्र अभिषेक किया गया व विश्व शांति की कामना की गई। अभिषेक की जानकारी देते हुए अर्चना व कल्पना यादव ने बताया, यह पूजा हमने कोरोना महामारी के लिए की है। जैसे विश्व में आज महाशिवरात्रि पर्व है, इसमें पार्थिव शिवलिंग को बनाकर इसका रुद्र अभिषेक किया है। बस भगवान से हम यही प्रार्थना करते हैं कि जो कोरोना की लहर है, तीसरी लहर है, ये कभी आए नहीं और हम सब इसमें स्वस्थ रहे, यही कामना करते हैं हम।
उज्जैन प्रेस क्लब द्वारा पत्रकारों का शिविर आयोजित कर निःशुल्क एंटीबॉडी टेस्ट कराया गया। उज्जैन प्रेस क्लब के तत्वाधान में पत्रकारों का एंटीबॉडी टेस्ट शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर पंकज गुप्ता एवं उनकी टीम ने बड़ी संख्या में पत्रकारों के एंटीबॉडी टेस्ट किए। इस शिविर का आयोजन मासिक पत्रिका फर्स्ट व्यू के बैनर तले किया गया। इसी के साथ उज्जैन प्रेस क्लब द्वारा पत्रकारों के लिए ब्लू पैथ पैथोलॉजी पर डिस्काउंट में टेस्ट की सुविधा उपलब्ध कराई गई। इस संबंध में उज्जैन प्रेस क्लब अध्यक्ष विशाल सिंह हाड़क एवं कोषाध्यक्ष प्रदीप मालवीय ने बताया, कोरोना काल से ही सारे पत्रकार साथी जो है फील्ड में काम करते चले आ रहे हैं, तो उनके लिए बड़ा ही विकट समय रहा है ये। और अभी ये जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आपके शरीर में एंटीबॉडी डेवलप हुई है या नहीं है, क्योंकि कई साथी कोरोना से ग्रसित भी हो गए हैं इसमें। और उसके बाद अभी एंटीबॉडी टेस्ट आज इसी क्रम में हमने जो है प्रेस क्लब पर एक एंटीबॉडी टेस्ट लगाया है। पर आज है लगभग 200 से 250 हमारे जो प्रेस क्लब के सदस्य हैं उनके लिए हम ये एंटीबॉडी टेस्ट कर रहे हैं। इसे एंटीबॉडी टेस्ट में जो जांच में जो ब्लड के टेस्ट नमूने लिए जाएंगे उसके माध्यम से पता चलेगा कि उनका एंटी टेस्ट जो कितना परसेंटेज है, और उसके आधार पे वो आगे जो डॉक्टर की सलाह पर वो काम कर सके। हरियाली अमावस्या पर ग्रहों की अनुकूलता के लिए रोपे जाते हैं ग्रहों से संबंधित पौधे। श्रावण माह कृष्ण पक्ष की अमावस्या को हरियाली अमावस्या के नाम से जाना जाता है। वनस्पति तंत्र को मजबूत करने व ग्रहों की अनुकूलता के निमित्त सूर्य के लिए आंकड़ा, चंद्रमा के लिए पलाश, मंगल के लिए खैर, बुध के लिए आपा मार्ग, गुरु के लिए पीपल, शुक्र के लिए गोलर, शनि के लिए शमी, राहु के लिए दुर्वा व केतु के लिए दर्भ पावित्री का रोपण किया जाता है। इस दिवस पितरों के निमित्त पिंडदान करने से भी लाभ होता है। ज्योतिषाचार्य पंडित अमर डब्बावाला ने इस दिन मालवांचल में आयोजित होने वाले मेलों का महत्व भी प्रतिपादित किया। अवंतिका तीर्थ क्षेत्र पर मालवा में परंपरा है कि हरियाली अमावस्या पर जवासे का मेला लगता है। यह मेला तीन जगह विशेष तौर पर लगता है, अनंत पेठ, नाग टेकरी और नागझिरी। ये तीन स्थानों पर साथ ही दूध तले में भी इस मेले के महत्व का अनुक्रम बताया गया है। ऐसी मान्यता है कि इस मेले में परंपरागत नियम का पालन करने से कृषि उन्नत अवस्था में प्राप्त होती है, साथ ही मेले से जनमानस में मनोरंजन के साथ साथ सक्रियता का भाव भी जागृत होता है। इस दृष्टि से हरियाली अमावस्या पर रवि पुष्य योग में सर्वार्थ सिद्धि योग के अंतर्गत किए गए पौधरोपण का विशेष फल प्राप्त होगा। 84 महादेव यात्रा में आज कीजिए श्री कुटुम्बेश्वर महादेव के दर्शन और जानिए उनकी गाथा, जो कार्तिक चौक में स्थित होकर इस श्रृंखला में अपना चतुर्दश स्थान रखते हैं। जब समुद्र मंथन से प्राप्त विष शिव को अर्पण किया गया, तब सदाशिव ने गंगा, यमुना आदि नदियों को विष ले जाकर समुद्र में डालने को कहा, पर उन्होंने असमर्थता दर्शाई। तब ब्राह्मणों से उत्पन्न शिप्रा से कहा, भगवान शिव की आज्ञा से वह कालकूट विष अवंतिका में शिवलिंग पर डाला गया, जिससे जो भी उसके दर्शन करता तुरंत मृत्यु पाता। तब बहुत से तपस्वी ब्राह्मण भी दर्शन करते ही नष्ट हो गए। सब और हाहाकार मच गया। देवों ने शिव की उपासना कर शिव को प्रसन्न किया। तब शिव ने सभी ब्राह्मणों को जीवित किया और वरदान दिया कि जो भी शिवलिंग का दर्शन करेगा उसका वंश कभी समाप्त नहीं होगा तथा यश, लक्ष्मी, आयु, संतान की वृद्धि होगी। तभी से इनका नाम कुटुम्बेश्वर विख्यात हुआ। कुटुम्ब वृद्धि चाहने वालों को अश्विन मास की शुक्ल पंचमी के दिन शिवलिंग का दर्शन करना चाहिए, जिससे उन्हें पुत्र, पौत्र और धन्य धान की प्राप्ति होती है। रविवार, सोमवार, अष्टमी व चतुर्दशी को शिप्रा स्नान कर शिवलिंग के दर्शन से 1000 राजसु व 100 वाजपेय यज्ञ का पुण्य फल मिलता है। अर्चना करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। आइए एक नजर डालते हैं वैशाला से प्राप्त मौसम के आंकड़ों पर।
अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता बाबूलाल जैन के निधन पर मुख्यमंत्री ने निवास स्थान पहुंच किए श्रद्धा सुमन अर्पित। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत किया गया अन्नोत्सव आयोजित, प्रभारी मंत्री ने की शिरकत। भैरवगढ़ के ग्राम जोगीखेड़ी में 5 वर्षीय बालिका की बोरवेल में गिरने से हुई मृत्यु। निजीकरण के विरोध में बिजली अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा ने सेवाएं की ठप। और नागपंचमी पर वर्ष में एक बार खुलने वाले महाकाल स्थित नाग चंद्रेश्वर के दर्शन नहीं कर पाएंगे आमजन, ऑनलाइन दर्शन की व्यवस्था होगी। तो ये थे उज्जैन शहर के मुख्य समाचार। ऐसी ही ताजा खबरों के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। उज्जैन टीवी का यूट्यूब चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। पवित्र श्रावण माह में उज्जैन टीवी कराएगा आपको महाकाल वन क्षेत्र स्थित 84 महादेव के दर्शन। प्रतिदिन कीजिए 1 महादेव के दर्शन और जानिए उनकी गाथा केवल उज्जैन टीवी के समाचारों में।